जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हु इज कॉला हेयर? दिस इज साथ्स। यस मैम। आज कॉला के नाम से एक्टर हुए हैं, चेंज कर। मैम वो उसने कल क्लास ली थी तो गलती से उसका नाम ही आ गया। ओके। ताहा बेटा ये मैंने क्या ओपन किया हुआ, व्हाट इज दिस? मैम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दिखा रहे हैं ये डायग्राम। ओके। लास्ट हमने जस्ट लाइट रिएक्शन का इंट्रोडक्शन लिया था। कैन यू टेल मी सम पॉइंट्स अबाउट लाइट रिएक्शन? यस मैम। मैम कैन आई टेल साथ? यस मैम। ओके चले आप बता दें। मैम लाइट रिएक्शन थायलाकॉइड्स में होते हैं और ये नहीं होता, ये सुबह के टाइम होते हैं, इनके अंदर लाइट चाहिए होती है, और जो डार्क रिएक्शन होते हैं उनके अंदर लाइट नहीं चाहिए होती है, होते वो भी सुबह के टाइम पे ही हैं। और वो यानी किसी टाइम पे भी होते हैं, लेकिन डार्क रिएक्शन विदाउट लाइट और लाइट रिएक्शन विद लाइट होते हैं। डार्क रिएक्शन में स्ट्रोमा, इसीलिए डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोला जाता है, लाइट इंडिपेंडेंट। ठीक है मैम। लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट एटीपी और एनएडीपीएच निकलते हैं। ओके। और जो के आगे डार्क रिएक्शन के लिए स्ट्रोमा में चले जाते हैं, और फिर उधर से जब वो स्मॉल हो जाते हैं तो वो एडीपी और एनएडीपी प्लस निकलकर दोबारा लाइट रिएक्शन में आ जाते हैं। मैम ये इतना प्रोसेस चलता रहता है जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं मैम प्लांट इनकी वजह से फोटोसिंथेसिस करता है। ओके। और व्हाट अबाउट दिस वाटर, वाटर को क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? वाटर भी एंटर हो रहा है ना? मैम वाटर एंटर होता है उनमें से, वो क्या कहते हैं हाइड्रोजन इस्तेमाल हो जाता है एनएडीपी प्लस को एनएडीपीएच में रिड्यूस करने के लिए, और O2 बच जाता है। एनएडीपीएच को मतलब एनएडीपी को रिड्यूस करके एनएडीपीएच बना देता है, बिकॉज़ इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन हो रही है ना, रिडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो ऑक्सीजन एज ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? यस सर, व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? जी आवाज आ रही है साथ एंड ताहा? मैम ऑक्सीजन तो एक आउटपुट है, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, अबाउट अदर स्टूडेंट्स, वो कब तक आएंगे? कौन था मैम, कौन कौन था आज? मैम क्या मैथ्स क्लास में कौन कौन थे आप? क्लास में से कौन से स्टूडेंट्स थे आज? मैम मैं था, अयान था, अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला खान। तो मैम अयान थोड़ी देर तक आ जाता है। चले जी, अब हम आज इंशाल्लाह, ये तो लाइट रिएक्शन के कुछ प्रोसीजर्स थे ना, तो अब हम देखेंगे आज डार्क रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन इज नॉट क्या कहना चाहिए, अच्छा सॉरी, ये जी स्कीम भी तो रहती है अभी लाइट रिएक्शन की, इसको तो आपने देखा ही नहीं, वही चीज है जो उसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसकी शेप चूंकि जी की शेप में, इसलिए इसको जी स्कीम ऑफ लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, और लाइट रिएक्शन का एक और नाम भी होता है स्टूडेंट्स, किसी को पता है? लाइट रिएक्शन का लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि लाइट प्रेजेंस में कुछ केमिकल्स बने होते हैं ना, तो इट्स अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। और इसी तरह से जो डार्क रिएक्शन होता है, अभी ये जो हम अभी करेंगे,
जो डार्क रिएक्शन होगा उसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं डार्क रिएक्शन को, ड्यू टू द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। क्रैब्स साइकिल भी बोलते हैं? नहीं नहीं क्रैब्स साइकिल नहीं, केल्विन साइकिल। क्रैब्स साइकिल है उसे सेकंड वन, वो तो रेस्पिरेशन में आएगा, ठीक है। दिस इज केल्विन साइकिल, जो डार्क रिएक्शन होता है दिस इज केल्विन साइकिल। क्रैब्स साइकिल तो रेस्पिरेशन में आ जाएगा ना, वो तो आगे चल के आप देखोगे। ज्यादा अच्छा नाम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है या केल्विन साइकिल है। जो डार्क रिएक्शन है वो कुछ मतलब एक सिली टर्म ही लगती है, इसलिए कि लाइट की डार्क ऐसा तो नहीं कि अंधेरे में हो रहा होता डार्क रिएक्शन। अच्छा जी, दिस इज जी स्कीम। अब जी स्कीम भी सेम वही लाइट रिएक्शन को थोड़ा सा फर्दर किया गया है कि यहाँ पर जो थायलाकॉइड्स हैं, यहाँ पे जो फोटोन्स, फोटोन्स मीन्स लाइट, लाइट के सेल्स इस पे आ रहे हैं और स्ट्राइक करते हैं, और ड्यू टू लाइट इसकी एनर्जी जो है ना थायलाकॉइड्स की वो हाई हो जाती है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होते हैं एंड दे एंटर इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। और साथ ही साथ वाटर जो है उसकी फोटोलाइसिस हो रही है एंड इट स्प्लिट्स अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एटम्स भी यहाँ पर जो आयन की फॉर्म में, हाइड्रोजन जो है वो आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं एंड दे एंटर इन दिस थायलाकॉइड, और फिर वो यूज होते हैं रिडक्शन में NADPH। ये देखिए एंड पर ये यहाँ पर क्या हो रहा है, NADPH रिड्यूस हो गया, ठीक है, ड्यू टू द हाइड्रोजन ऑफ वाटर। और साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं दे आर यूटिलाइज्ड इन द मेकिंग ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। और ये दोनों मॉलिक्यूल जो अब बन चुके हैं आपके पास ATP और NADPH, दे विल एंटर इनटू द केल्विन साइकिल। बेसिकली लाइट रिएक्शन का मकसद क्या था कि ये दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो सके, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करवाने के लिए लाइट रिएक्शन हुआ। अच्छा, ये NADPH से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी दी गई है आपकी बुक में, उसको भी जरा ध्यान में रखें। बेसिकली ये क्या है, इट्स अ कोएंजाइम आयन, बेटा इसको जरा रीड कर लीजिए कि ये कोएंजाइम है। कोएंजाइम आप पीछे 6 चैप्टर में पढ़ के आए हो, व्हाट आर कोएंजाइम्स, ये क्या कर रहे होते हैं। आयन ने पिक्चर किसकी लगाई हुई है, आयन दिस इज यू, हेलो आयन। मैम कोएंजाइम कंपाउंड होता है जो एंजाइम को एक मदद करता है, एंजाइम की क्या कहलाता है, ये कोफैक्टर होता है जी। क्या होता है मैम, ये कोफैक्टर की एक टाइप होती है कोएंजाइम, और इसके अंदर लूजली बाउंड होते हैं वो कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को में मदद करता है। वेरी गुड, नॉन प्रोटीनेशियस कंपाउंड है जो असिस्ट करता है एंजाइम को, उसका हेल्पर समझ लें आप, ठीक है। तो जो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है ये एज ए कोएंजाइम वर्क कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, हाइड्रोजन लेकर रिड्यूस हो जाता है बिकॉज इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और इस फॉर्म में ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। मैं अयान से पूछती थी पिक्चर किसकी लगी हुई है अयान आपके TP पे, कोई साइंटिस्ट, आइंस्टाइन है। अच्छा वही मैं कह रही हूँ, कोई साइंटिस्ट लग रहे हैं मुझे, सही। आइंस्टाइन बनना चाहते हैं आप, आइंस्टाइन बनना चाहते हैं? नहीं मैम ऐसी लगाई हुई है, ऐसे ही लगाई हुई है, ओके। अच्छा चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज हम डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन वही मैं पहले ही बात कर रही थी कि इट्स अ सिली टर्म बेसिकली, मुझे तो मतलब क्योंकि इसकी डार्क रिएक्शन का तो ऐसे लगता है जैसे ये डार्क में हो रहा होगा एग्जीक्यूट, पर ऐसा होता नहीं है। डार्क रिएक्शन हैपेंस इन लाइट बट इट डज नॉट रिक्वायर लाइट बेसिकली, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन का नाम दे दिया जाता है। लेकिन इसको एक दूसरा नाम भी देंगे आप, केल्विन साइकिल ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन। और इसके अलावा इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोला जाता है, ऐसा रिएक्शन जिसको करने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, सो इट कुड बी नेम्ड एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। ये तो साइंटिस्ट का नाम आ गया और इनको नोबेल प्राइज मिला था,
कैल्विन को, मेल्विन कैल्विन को इन 1961 इन्होंने जो कैल्विन साइकिल को पूरा साइकिल जो है वो डिस्क्राइब किया था. अब इसमें अब होता क्या है, दिस इज बेसिकली द साइकिल, कैल्विन साइकिल, ठीक है. अब इसमें कुछ आपको डिफरेंट ये दिखाए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है और कुछ कार्बन कंपाउंड्स यहाँ नजर आ रहे हैं. दिस इज 6 कार्बन कंपाउंड, दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड, दिस इज आल्सो 3 एंड दिस इज 5 कार्बन कंपाउंड. अब ये बेसिकली हैं क्या चीजें, आपकी बुक में बहुत मतलब के लाइटर सा टच दिया हुआ उन्होंने, बहुत ज्यादा डिटेल शो नहीं की गई आपकी बुक में ना. फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद 5 कार्बन कंपाउंड. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं तो चाहूंगी कि आप इनके जस्ट एक एक नाम है वो आप लिख लो ताकि आपको ना पता हो कि व्हाट इज 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है. दिस इज बेसिकली रिबुलोज बाइफॉस्फेट, आप इसका नाम लिख लो अपने पास, लिख सकते हो अगर मैं स्पेलिंग बताऊं तो. हेलो, यस मैम जी, दिस इज बेसिकली रिबुलोज बाइफॉस्फेट, RUBP, ribulose biphosphate. मैम एक दफा दोबारा बता दें. Ribulose biphosphate. अच्छा ribulose बाइफॉस्फेट जो है वो की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है. ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आ रही है, एयर से एंटर हो रही है. और अब ये 5 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर एक कार्बन है तो ये दोनों मिलकर एक 6 कार्बन कंपाउंड बना लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है. बेसिकली हमारा मकसद क्या है डार्क रिएक्शन में, अब होगा क्या कि ग्लूकोज बननी है, ठीक है. तो ग्लूकोज बनाने के लिए यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए जो रिबुलोज बाइफॉस्फेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक कार्बन ले लेगा और 6 कार्बन कंपाउंड बना देगा, ठीक है. और उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होगी जो कि ATP और NADPH, ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे कहाँ बने थे, ये दोनों मॉलिक्यूल्स मैम लाइट रिएक्शन. वेरी गुड, दे सिंथेसाइज इन लाइट रिएक्शन, तो वहां से ये इधर एंटर हो जाएंगे असिस्ट करने के लिए. तो ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये बहुत ही अनस्टेबल होगा, ये फौरन से ब्रेकअप हो जाएगा 2-3 कार्बन कंपाउंड्स में. देखें 6 को अगर आप डिवाइड करो तो 2-3 कार्बन कंपाउंड बनते हैं. इनका नाम भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. ये एक फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा और एक ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. क्या है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड? ग्लिसरल्डिहाइड, इसके शॉर्ट फॉर्म में आप लिखना चाहते हो PGA. ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. अब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2-3 कार्बन एटम्स मॉलिक्यूल सॉरी बन गए. ये आए कहां से हैं, पीछे से 6 कार्बन मॉलिक्यूल था जो कि अनस्टेबल था, एकदम से ब्रेकअप हो जाएगा 2 में. अब एक जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है. जो दूसरा होगा 3 कार्बन कंपाउंड वो आगे की तरफ चला जाएगा क्या बनाने के लिए, दोबारा से उसने क्या बनाना है, बेसिकली रिबुलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होना है. क्योंकि एक साइकिल है ना बेटा, तो साइकिल को मेंटेन चलाने के लिए ये कंपाउंड आपके पास मौजूद होना चाहिए. इसको बनाने के लिए पीछे से 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो आएगा. अच्छा, और यहाँ पर आपको एक और ये मैं बता दूं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 3 × 3 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं. ये जो 3 मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है, 3 times कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और यहाँ पर ये 3 times हर एक के साथ, यहाँ पे 6 times है, यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6 मॉलिक्यूल्स होंगे. ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शो करने के लिए उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया साथ.
ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसको अब आप अच्छा मुझे ये बताइए कार्बन साइकिल जो केल्विन साइकिल है स्टूडेंट्स, इसको थ्री टाइम्स का मतलब आप ये भी समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और रिबुलोज बाइफॉस्फेट की हेल्प से जो ये बन रहा है ना थ्री कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, तो इस साइकिल को तीन दफा घूमना पड़ता है, तीन दफा रन करता है ये साइकिल तो ये कंपाउंड बनता है, क्योंकि हर एक साइकिल में सिर्फ एक कार्बन जो है ना वो इसके साथ अटैच होती है। शो तो किया है ना थ्री टाइम्स, इसका मतलब है ये कार्बन तीन दफा बार बार साइकिल होगा तो एक दफा एक मॉलिक्यूल बनेगा थ्री फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का। इसकी जरा रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स हो रहे हैं। साथ बेटा यू रीड दीज पॉइंट्स, नंबर फर्स्ट पॉइंट CO2 मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद फाइव कार्बन कंपाउंड्स टू डू टेंपरेरी सिक्स कार्बन कंपाउंड्स each of which splits into two carbon compounds. The three carbon compounds are reduced to three carbon carbohydrates by using ATP and hydrogen from NADPH. The three carbon carbohydrates are used to manufacture glucose. The three carbon carbohydrates are used to regenerate the original five carbon compounds. This step also utilizes ATP. Simple see, इन्होंने आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा detail ही नहीं दी गई. Simple बता दे कि ribulose biphosphate इसके साथ अब मिलेगा और बना देगा अनस्टेबल सिक्स कार्बन कंपाउंड। ये सिक्स कार्बन कंपाउंड स्प्लिट अप हो जाएगा दो थ्री थ्री कार्बन कंपाउंड्स में, ठीक है। एक थ्री कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज बनाने में चला जाएगा और जो दूसरा है थ्री कार्बन कंपाउंड, अब ये ग्लूकोज कैसे बन सकता है? वैसे ये तो थ्री कार्बन कंपाउंड है जबकि ग्लूकोज में तो सिक्स कार्बन होते हैं, तो हाउ इट विल मेक सकते हैं मैम? इस तरह के दो बनेंगे। वेरी गुड, ये मैंने आपको बताया ना साइकिल बार बार रिपीट होता है, एक साइकिल में तो ये एक बन गया, जब दूसरा साइकिल चलेगा ना तो इस तरह का एक और बनेगा, वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ग्लूकोज को बना दे, ठीक है। तो ये साइकिल बार बार घूम रहा है, ये मुसलसल कंटिन्यूस रोटेट करेगा और हर साइकिल जब चलेगा तो एक फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कार्बन इधर आ जाएगा, साइड पे उतर जाएगा, और जब दो इकट्ठे होंगे तो वो ग्लूकोज बना देंगे, और जो एक जो बचेगा, क्योंकि हर साइकिल में दो बन रहे हैं एट अ टाइम, एक तो यहाँ रह जाएगा और एक जो है वो आगे निकल जाएगा मजीद रिबुलोज बाइफॉस्फेट बनाने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर भी एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर भी वैसे होता है, आपकी बुक में उन्होंने शो नहीं किया हुआ, यहाँ पर भी एटीपी जरूरत होती है, एटीपी की ना यहाँ पर भी एनर्जी रिक्वायर होती है। तो इस तरीके से जो कैल्विन यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा एटीपी आर रिक्वायर्ड, इस टाइप पर भी एटीपी रिक्वायर्ड होती है, या बेशक साइकिल पे यहाँ लिख लो एटीपी एंटर हो रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ एंटर किया है ना इन्होंने, यहाँ पर भी एटीपी को एंटर करवा लें, आप लिख लें यहाँ पे भी, क्योंकि आपकी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एटीपीज आर यूज इन द मेकिंग ऑफ फाइव कार्बन कंपाउंड्स। जी ताहा, इसको करेंगे साइकिल को, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द केल्विन साइकिल? हेलो हेलो, ताहा कहाँ पर है भाई? यस मैम, यस मैम। ताहा से मैंने कहा था ये डार्क, ये जो डायग्राम है ये डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की केल्विन साइकिल में, और जो सनलाइट मैम इसके अंदर क्या होता है, सनलाइट एनर्जी जो होती है वो क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है जिससे फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन होता है, ठीक है। जिस सिर्फ 1% जो लाइट लीफ के सरफेस पे फॉल करी थी वो अब्सॉर्ब होती है वरना बाकी सारी रिफ्लेक्ट कर देता है, और लाइट रेज डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं, ठीक है, और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। और आप ये कर क्या रहे हो ताहा? और I ask you to describe the Kelvin cycle जो हम अभी कर रहे हैं, तो आप कौन से टॉपिक पे चले गए हो, नेक्स्ट पे चले गए हो आप? No ma'am, मैं वो डायग्राम ही एक्सप्लेन कर रहा था, ये वाली डायग्राम Kelvin cycle की जो just कौन सी डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे हो ताहा, बताइए जरा।
मैम ये वाली कौन सी? अभी जो स्क्रीन पे नजर आ रही है कहा बेटा इसको रिपीट कर दें ताकि ये दोबारा से जरा माइंड में बैठ जाए बच्चों के। मैम जो CO2 में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 5 कार्बन कंपाउंड के साथ कंबाइन करते हैं ठीक है ताकि टेंपरेरी 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म हो सके और वो 3 कार्बन कंपाउंड में स्प्लिट हो जाते हैं ठीक है 2-3 कार्बन कंपाउंड में स्प्लिट हो जाते हैं उसके बाद जो 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं वो 3 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट्स पे को रिड्यूस हो जाते हैं ATP की मदद से और हाइड्रोजन की मदद से जो कि NADPH से लिया जाता है और ये स्टेप भी ATP को रिक्वायर करते हैं और ये स्टेप रिपीट होते जाते हैं जिसको कार्बन साइकिल कहते हैं ठीक है। अब ये स्टूडेंट से जरा ये देख लें इनको मैंने कार्बन साइकिल इज बेसिकली 3 तरह के काम हो रहे हैं ये भी आप प्लीज नोट कर लें ये राइटिंग मेरी इतनी अच्छी आ नहीं रही आप प्लीज इनको भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है जहां पर आपका ये मैं इसको खत्म करती हूँ यहाँ से जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और रिबुलस बाइफॉस्फेट जब इकट्ठे होते हैं ना तो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है तो इस स्टेप को बोला जाता है कार्बन फिक्सेशन क्योंकि कार्बन फिक्स हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में ठीक है ये यहाँ नोट कर लीजिए प्लीज दिस इज नोन एज कार्बन फिक्सेशन क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कार्बन है ना जो एयर में मौजूद है लेकिन ये फिक्स कहाँ हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में फिक्स होना शुरू हो गई है कार्बन सो दिस स्टेप इज नोन एज कार्बन फिक्सेशन। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख लें इस तरह करने से नंबर ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे आपको इसलिए कि आपकी बुक में बहुत कम डिटेल दी गई है कार्बन साइकिल की। जी स्टूडेंट्स हैव यू रिटन डाउन दिस पॉइंट? मैं दफा पॉइंट दोबारा रिपीट कर रही मैं आपसे कह रही हूँ एयर की जो इनऑर्गेनिक कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो कार्बन होती है वो इनऑर्गेनिक होती है लेकिन जब वो रिबुलस बाइफॉस्फेट के साथ मिलेगी और केमिकल रिएक्शन करेगी ना तो फिर वो क्या बना देगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में उसमें चली जाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देगी और इस स्टेप को बोला जाता है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्स हो रही है यहाँ पे ठीक है दिस स्टेप इज नोन एज कार्बन फिक्सेशन। ये CO2 जो एयर में होती है ये इनऑर्गेनिक होती है तो किसके साथ मिलकर ये ऑर्गेनिक बनती है? ये रिबुलस बाइफॉस्फेट। रिबुलस बाइफॉस्फेट ये जो रिबुलस बाइफॉस्फेट है ये बेसिकली जो है ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना तो ये इसको अपने साथ मिलाकर तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देता है जो कि फिलहाल अनस्टेबल है और उसके बाद वो स्टेबल होता है वो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड की फॉर्म में जाता है तो ये स्टेप कहता है कार्बन फिक्सेशन। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने नेक्स्ट स्टेप लिखा है रिडक्शन का। रिडक्शन क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर NADPH जो है वो इस्तेमाल हो रहा है ठीक है इट इज यूटिलाइज्ड हियर सो दिस इज रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन आप लिख लो दिस स्टेप इज नोन एज रिडक्शन। और लास्ट में चूंकि दोबारा से ये 5 कार्बन कंपाउंड बन रहा है तो ये स्टेप क्या कह रहा है रीजेनरेशन। स्पेलिंग रीजेनरेशन रीजेनरेट हो रहा है दोबारा तो ये 3 स्टेप हो रहे होते हैं बेसिकली कैल्विन साइकिल में बेसिक 3 बेसिक स्टेप आर गोइंग ऑन इन द कैल्विन साइकिल। जी आयान बेटा आप कौन से बताओगे ये कौन से 3 स्टेप्स मैंने बताए हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? यस मैम एक आपने रीजेनरेशन बताया ए सी फिक्सेशन बताया और रिडक्शन बताया। सी फिक्सेशन इसलिए क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक कार्बन है वो मिलती है तो फिर ये 6 कार्बन कंपाउंड में आते हैं जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है। उसके बाद रिडक्शन का प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि ये अब ये 6 कार्बन कंपाउंड 3 में डिवाइड हो गया है। 1-3 को हम ग्लूकोज के लिए यूज करते हैं और जो दूसरा 3 है उसको वो आगे जाता है तो इसलिए ये रिडक्शन होती है। उसके बाद इसको चाहिए यहाँ पर NADPH ये रिड्यूस्ड है ना रिड्यूस्ड फॉर्म में ना ये इस्तेमाल हो रहा है इसलिए दिस इज रिडक्शन ठीक है। जी आगे चलें। उसके बाद ये ATP की इसको एनर्जी चाहिए होती है और फिर ATP की एनर्जी के साथ रीजेनरेशन होता है मतलब ये प्रोसेस फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है और ये 3 दफा रिपीट होता है और इसे कार्डिक साइकिल कहते हैं। कार्डिक
कैल्विन साइकिल कार्डियक कहाँ से घुसा दिया बीच में, हार्ट को कहाँ से ले आए हो बीच में यार? आइंस्टाइन कैल्विन साइकिल, यस कैल्विन साइकिल। रीजनरेट क्या चीज हो रही है दोबारा से, हर साइकिल के एंड पे क्या चीज रीजनरेट हो रही है आयान? मैम ये फिर से फाइव कार्बन कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। नाम बताइए, नाम बताइए, मैंने लिखवाया नाम इसका, नोट किया। राइसबो फेरप, चेहरे में दोबारा से लिखती हूँ, नाम है इसका आर यू बी पी, रिबुलोज बाई फॉस्फेट, रिबुलोज बाई फॉस्फेट, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। और जो थ्री कार्बन कंपाउंड है इसका नाम कौन बताएगा, हु विल टेल मी दिस इट्स नेम? मैम ये थ्री कार्बन कंपाउंड जी, This is phosphoglyceraldehyde. Phosphoglyceraldehyde. Oh, ये मैंने गलत लिख दिया ना? This is phosphoglyceraldehyde. PHO से. ये आप points अगर let's suppose Kelvin cycle आ जाता है और आप ये थोड़े से points लिख देते हो ना? तो यू विल गेट मोर मार्क्स, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में बहुत कम डिटेल है, तो मुझे था कि इसको थोड़ा सा ऐड अप होना चाहिए। इट्स फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, हाय हाय मुझे तो दिखाई नहीं जा रहा, ठीक है जी। Okay, move on to the next. आमना बेटा आप यहीं पर हैं क्लास में? आमना, अच्छा जी, उसके बाद आ जाएगा रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। ये सारा जो केल्विन साइकिल हुआ, ये जो लाइट रिएक्शन हुआ, उसमें क्लोरोफिल का क्या रोल है? ये सारा प्रोसीजर हो वैसे कहाँ रहा है स्टूडेंट्स, कौन से पार्ट में हो रहा है प्लांट के? मैम प्लास्टिड्स, वेरी गुड, प्लास्टिड्स में हो रहा है। प्लास्टिड्स के अंदर कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? क्लोरोफिल के पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल प्लेज अ वाइटल रोल इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी। तो अब तो हम देखते हैं कि क्लोरोफिल की भी आगे से टाइप है कि क्लोरोफिल ए और उसके जो असिस्टेंट्स हैं क्लोरोफिल बी एंड सी, वो जो है वो आगे से डिफरेंट काम करेंगे। और आपको ये भी अंदाजा है कि लाइट जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, पता है ना ये आपको, आपने आई थिंक जनरल साइंस में पढ़ा हुआ है कि लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन अदर लाइट्स। तो हर लाइट की अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। तो क्लोरोफिल कुछ लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है, कुछ लाइट को कम एब्जॉर्ब करता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है। अब यहाँ पर आयान बेटा आप रीड करो इस पैराग्राफ को, यहाँ पे क्लोरोफिल का काम आएगा। Sunlight energy is absorbed by chlorophyll, is then converted into chemical energy, which drives the photosynthetic process. Only about 1% of the light falling on the leaf surface is absorbed. The rest is reflected or transmitted. The light rays of different wavelengths are not only differently absorbed by photosynthetic pigments, but are also differently effective in photosynthesis. The blue and red lights carry out more photosynthesis. See, students, as you know, light is a combination of seven other lights. ठीक है ना, जो red color की light है और जो blue color की light है, ये जो है वो बहुत ज्यादा जो है absorb हो जाती है इसकी wavelength और फिर वो आगे काम करती है। अब chlorophyll ही क्यों light को absorb करता है? Because it is a pigment, और pigment का काम ही ये होता है कि ये light को absorb करें, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा क्लोरोफिल ए का नाम आएगा। फोटो सिस्टम, व्हाट इज फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम इज बेसिकली, आप जो ऊपर पढ़ के आए हो ना लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, तो जो लाइट रिएक्शन था दिस इज बेसिकली ये जो पार्ट है ना पहले वाला, ये दिस इज कॉल्ड फोटो सिस्टम टू एंड दिस इज कॉल्ड फोटो सिस्टम वन। और क्यों बोला गया? क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ की जो है ना वो एब्जॉर्ब की जाती है। तो पहले जो वेवलेंथ साइंटिस्ट ने डिस्कवर की उसको भी नाम दे दिया गया फोटोसिस्टम वन का,
और जो दोबारा दूसरी वेवलेंथ डिस्कवर हुई जो कि बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होती है उसको नाम दे दिया गया फोटो सिस्टम टू का। ठीक है, आप इसको बाप रीड कीजिए। The form of clusters called photosystems. In thylakoid membranes of chloroplast, chlorophyll A is the main photosynthetic pigment. Others are called accessory pigments and include chlorophyll B and carotenoids. Chlorophyll absorbed mainly blue and red lights. Some wavelengths not absorbed by chlorophyll A are very effectively absorbed by accessory pigments and vice versa. जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो photosystems हैं basically ये plastids के अंदर chlorophyll ही हैं, pigments ही हैं जो कि clusters की form में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको group की form में पाए जाते हैं, इसलिए इनको photosystems बोला जाता है। photosystem one भी होता है, photosystem two भी होता है, ठीक है, क्योंकि दो जगह पे plastids जो है ना light को absorb कर रहा है। तो फोटोसिस्टम्स आर बेसिकली पिगमेंट्स ही होते हैं जो कि डिफरेंट वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करते हैं, और वो होते कहाँ पे हैं, थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थायलाकॉइड्स के अंदर ये पाए जाते हैं क्लस्टर्स, और इन्हीं की बेस पर इनको फोटोसिस्टम बोला जाएगा। अब क्लोरोफिल में आगे से साथ आप बताइए कौन सा क्लोरोफिल है जो कि मेन क्लोरोफिल के तौर पर काम करेगा। यस मैम, कौन सा क्लोरोफिल है जो कि मेल क्लोरोफिल के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पे क्लोरोफिल को आगे से डिवाइड कर दिया ना उन्होंने टू पार्ट, क्लोरोफिल ए इज द मेल क्लोरोफिल ए, यस, और उसकी हेल्प के लिए जो क्लोरोफिल है उसका क्या नाम है, इसको जो असिस्ट करेगा, क्लोरोफिल बी, बी और कैरेटिनाइड्स, क्लोरोफिल बी एंड कैरेटिनाइड्स, दे ऑल आर पिगमेंट्स। यस मैम, ये भी एक पिगमेंट ही है और दिया जाता है एक्सेसरी पिगमेंट्स का, यानी कि एक्स्ट्रा है, ये कहने को तो एक्स्ट्रा है लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये इसके बगैर काम जो है वो नहीं चल सकता, इसके बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर एफिशिएंटली नहीं चलता, सो दे आर एक्सेसरी पिगमेंट्स। स्टूडेंट्स, कितना टाइम अभी रहता है, अगला टॉपिक हो सकता है या इसी को रिपीट करते हैं? 6 मिनट। ये देखें, ये केल्विन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सारा केल्विन साइकिल जो था वो डिस्क्राइब किया था, और मैं कहती हूँ कि बड़ी इनकी जिसे कहते हैं ना बात है कि ये लोग इतना इतना ज्यादा देखिए किस लेवल तक चले जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल, फिर उनके कार्बन के नंबर और कौन कहाँ से क्या चीज बन रही है, तो ये इनकी बड़ी एफर्ट है बायोलॉजी के अंदर कि ये लोग इतना काम करते हैं। हमें तो सिर्फ पढ़ना होता है और याद करना होता है, वो भी हमें बड़ा टफ लगता है, तो इन लोगों ने तो इस पे इतनी इतनी रिसर्च की है। रिसर्च का वैसे शौक है किसी स्टूडेंट को आगे चल के कि नहीं, मतलब ये भी एक शौक की बात होती है। हाँ, शौक ये रिसर्च का शौक नहीं है मेरे ख्याल से आजकल, वैसे भी यही नोटिस किया जा रहा है कि जो अब हम लोग आ रहे हैं ना, हम इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है जितने मुझे फील होता है कि पहले लोग होते थे, तो हम लोग तो बस कहते हैं हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए हम उसको ले लें, लेकिन खुद से कोई नई चीज निकालना, कुछ ढूंढना, खुद से एक्सप्लोर करना, इट्स अ रियली आवर जॉब। आयान, आप क्या कहते हो इस बारे में? नहीं मैम, मेरी जनरेशन में तो काबिल लोग हैं। नहीं मैं वैसे आप हार्ड वर्किंग है बिल्कुल है, लेकिन जो ये वाला एप्टीट्यूड है ना कि कुछ एक्सप्लोर करना, नई नई चीजें निकालना खुद से, मतलब देखो ना इन्होंने अभी काम किया कितना साल पहले, 1961 में किया था, तो मतलब इतनी मेहनत करना, पूरा पूरा दिन जो लोग लैब में बैठे रहते थे अपने वर्क को वो करने के लिए कि हम कुछ ना कुछ कर लें, कुछ नई चीज निकल आए, ढूंढ लें हम, तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे लगता है कि अब ये शायद होंगे भी कुछ लोग, जरूर ये तो नहीं हो सकता कि ना हो। आपको क्या माइंड कहता है, आपने बड़ों के क्या बनना है आयान, व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर? अच्छे इंसान बन जाऊंगा। अच्छा, अभी सोचा नहीं है इसका मतलब, ये जो जवाब होता है ना अच्छे इंसान बनना, इसका मतलब आपने क्लियर सोचा नहीं है कि व्हाट यू हैव टू बी इन फ्यूचर।
साथ में तुम लगता है डॉक्टर बनना है, साथ एंड ताहा हम जो बन गए सही है। आमना क्लास में मौजूद है कि नहीं? आमना सुन भी रही है हमें कि नहीं? आमना आर यू देयर? हेलो, मुझे तो लगता है आमना माइक ऑन करके ना प्रेजेंस शो करके तो। हेलो आमना, आर यू देयर? यस मिस। आप भी कुछ पार्टिसिपेट कीजिए। क्या बताया आज हमने? मेरी तबीयत खराब थी इसलिए बोला नहीं था जा रहा। अच्छा, क्या पढ़ा आज हमने? कौन सा टॉपिक कवर किया आज हमने? सेल एंड साइकिल और अच्छा, केल्विन साइकिल को कोई और नाम भी देते हैं हम। क्या नाम देते हैं केल्विन साइकिल को? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। और इसके अलावा एक और नाम भी बताया, कौन बच्चा हेल्प करेगा इनकी? मैम डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। यस, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। आमना, एक थर्ड नाम भी है केल्विन साइकिल का, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। क्या होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन? यस ताहा, क्यों बोला जाता है इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, बताइए ताहा, बता दें। इसके अंदर सनलाइट की कोई जरूरत नहीं होती है, ये सनलाइट के बगैर ही वो रिएक्शन होता है। हाँ, तो इसका मतलब है रात में हो रहा होता है, अंधेरे में? नो मैम, होता दिन को है, लेकिन इसमें लाइट की कोई जरूरत नहीं होती है। लाइट जो अब्सॉर्ब हो रही होती है वो 1% वो सिर्फ लाइट रिएक्शन में इस्तेमाल होती है। हाँ, वेरी गुड जी। आमना, ये चूंकि इसको लाइट की जरूरत नहीं है, बेशक दिन की रोशनी हो रहा होता है, लेकिन विदाउट लाइट इसको लाइट की जरूरत नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, आमना, आयशा और उनका हनीन का बताइए, वो क्यों नहीं ज्वाइन कर रही क्लासेस? हनीन का तो पता नहीं, आयशा तो गांव गई है। वो तो आ गई है वापस, उसने कहा था मैं आज आ जाऊंगी वापस, काफी दिन पहले कहा था, पता नहीं। चलें, इंशाल्लाह स्टूडेंट्स वी विल डू दिस लिमिटिंग फैक्टर्स। आज के लिए काम आप ले लो, ये आप करोगे Calvin cycle, you will draw this Calvin cycle on your notebooks. और साथ ही जी स्कीम भी, ये रह गई है ना। आयान तो अभी काम ही नहीं करते हैं। आयान, आप क्लासेस स्टार्ट होंगी ना तब मैं पूछूंगी आपको, अभी तो मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं तो आपको काम सेंड किया है। आपका ताहा का मिल गया जी, मुझे मिल गया, मैंने उसे मार्क भी कर लिया अपने पास जो रिकॉर्ड बना रहे होते हैं हम उसमें लगा लिया टिक। आयान, आपको क्या हो गया भाई? आयान, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। बट आप काम क्यों नहीं करते? वैसे तो मेरे ख्याल से 3 या 2 दफा से मेरा काम नहीं आ रहा। नहीं, काफी दिन से नहीं आ रहा। वैसे क्यों नहीं कर रहे आप? बाय द वे मैथ्स वाला का तो करते होंगे, वो तो एज ए मस्ट करते होंगे क्योंकि वो तो प्रैक्टिस वर्क है। कौन सा मैम? मैथ्स का मैं कह रही हूँ, बाकी मतलब जो मैथ्स होता है केमिस्ट्री उसकी तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है ना इक्वेशंस वगैरह की। तो आप बायो को क्या समझते हो, डायग्राम इजी है याद हो जाएंगे, इससे नहीं करते आप इसको? कुछ और मसरूफियत तो नहीं रखी हुई आजकल घर में? बिजी है क्या बहुत ज्यादा जो काम नहीं करते? मसरूफियत तो सिर्फ यही है पढ़ाई। तो फिर ये रिटर्न वर्क भी क्यों कर लिया करना? देखिए, याद करते हो तो उसको ऐसे प्रैक्टिस जुबानी डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो वो काम भी हो जाता साथ ही आपका। यस मैम। तो भेजा करें काम ताकि मैं वहाँ पे एंटर करती जाऊँ। आपके काफी दिनों से वहाँ पे कोई काम नहीं जा रहा, मतलब कोई एंट्री नहीं हो रही। बाकी
इट्स अप टू यू, बड़े बच्चे हैं अब आप लोग, अब आपको हम कह ही सकते हैं। इसके अलावा फिलहाल घर बैठ के तो कुछ नहीं हो सकता, क्लास में जाऊंगी तो देखूंगी क्या करना। ठीक है, ओके मैम। चलिए जी स्टूडेंट्स, आई थिंक टाइम इज अप। इंशाल्लाह कल कब मिलते हैं, मंडे को। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लेकिन प्राइवेट को आप ऐसे क्लोज कर देते हो, बंद तो मत करते। बात सुनो, क्या करना है? मैच लगाना है बैडमिंटन का।